बांग्लादेश जिंदाबाद, बांग्लादेश जिंदाबाद, बांग्लादेश जिंदाबाद। जुरत करे कोई आंख उठाकर बांग्लादेश की तरफ देखने की, उसकी आंखें निकाल देंगे। आए कोई हाथ उठाए और बांग्लादेश की तरफ हाथ उठाने की कोशिश करे, उसका बाजू तोड़ देंगे हम इंशाल्लाह। अल्लाह के फजल। कभी अपने दादे से बैठ के पूछना, कभी भी बांग्लादेश हमसे अलग हुआ कितनी खुशी हो रही है। कि शेख मुजीबुर रहमान जितना के बांग्लादेश का लीडर है ना, उतने ही पाकिस्तान के भी लीडर है। उतना बड़ा लीडर हम उन्हें पाकिस्तान में भी मांगते हैं। बंगला बंधु शेख मुजीबुर रहमान जो है, बिल्कुल ठीक मैं कह रहा हूँ बात, कि पाकिस्तान के भी उतने ही बड़े लीडर हैं जितने बांग्लादेश के बड़े लीडर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला अलिका व सहाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। मैं आज तमाम दोस्तों का, तमाम हाजिरीन मजलिस का, तमाम मौजूद मेहमानों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आप लोग एक बहुत बड़े कॉज के लिए आज यहाँ जमा हुए हैं। और मैं अपने तमाम नाजरीन जो वाइट न्यूज के तवस्सुल से हमें लाइव देख रहे हैं, उनको इस सेमिनार में खुशामदीद कहता हूं। मैं मरवाला का तालियां की टेंशन ना लो, मैं आंदा है ठीक है, मैं करा लांगा। बात यह है कि जब हम इस्लाम की बात करते हैं ना शहजादो, जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो मुंह से मजाक निकलता ही नहीं, मसला ये मुंह से सिर्फ जज्बे निकलते हैं। जब हम बांग्लादेश की बात करते हैं ना, जब मोहब्बत की बात करते हैं तो मुंह से मजाक या हंसी निकलती ही नहीं, आंखें नम होती हैं और चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ जज्बात होते हैं। मसला सिर्फ ये है, आप सब ये चीज को समझेंगे जब मैं आपको समझाऊंगा, तब आप ये चीज को समझ आएंगे। मैंने जब किसी बड़े को बैठ के बात की है ना शहजादो, मैंने हमेशा उसकी आंखें नम देखी हैं। आपके वालिद भी हैं, आप सबके दादा भी होंगे। कभी अपने दादे से बैठ के पूछना, कभी भी बांग्लादेश हमसे अलग हुआ कितनी खुशी हो रही है। एक दफा आंखें उनकी नम देखोगे, उदास देखोगे। हमारा इतना बड़ा हिस्सा हमसे अलग हो गया, हम मजाक समझते हैं। ये मजाक नहीं है, ये हमारे लिए हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला है। आज देखो जाके इजरायलियों को, उनके नौजवानों को जाके देखो, न्यूयॉर्क के अमेरिका की सड़कों पर खड़े हुए हैं वो लोग, आज भी प्लेकार्ड लेके खड़े हैं। मुसलमानों, खैबर वॉज योर लास्ट चांस, तुम्हें ललकार रहे हैं और तुम्हें तड़ियां लगा रहे हैं, तुम्हें कह रहे हैं 1400 साल पहले जो खैबर शेरे खुदा हजरत अली ने फतह किया था वो तुम लोग का आखिरी मौका था। नहीं, शर्म नहीं महसूस होती थोड़ी, या घबराहट नहीं महसूस होती थोड़ी सी, कि यार एक ऐसी कौम जो मेरा नहीं ख्याल कि लाहौर शहर से बड़ी होगी उनका मुल्क, वो जो है मैं ललकार रहे हैं कि 1400 साल पहले जो किया था ना बस उतना ही था। क्या ख्याल है? तो फिर आओ नारा लगाते हैं, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। अब मजा आया ना, मुझे आते हैं नारे लगवाने। अब बात यह है कि मुसलमान वो कौम है जो 1400 साल से आज तक गुलाम नहीं बनी। समझ आई ना मेरी बात? या तो हाकिम रहे हैं या फिर आजादी की जंगें लड़ते रहे। तो इन्हीं मुसलमानों ने 1906 के अंदर ख्वाजा सलीमुल्ला बहादुर के घर, जो के ढाका के नवाब थे, उनके घर एहसान मंजिल में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क्याम अमल में लेके आए थे। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वो चीज है जिसने मुसलमानों को एक सहारा दिया था उस टाइम पे, कि भाई तुम लोग एक कौम हो, तुम लोग शेर हो, तुम लोग शहजादे हो। ये वो मुस्लिम लीग थी। आज हम 114 साल बाद हम लोग उसका योम तसीस मना रहे हैं। अंदाजा कर सकते हो कितना बड़ा काम कर रहे हैं? खुशी तो ढाडी में से बंदी है, लेकिन अंदाजा कर सकते हो कि कितना बड़ा काम करने जा रहे हैं हम लोग? पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिलाने की बात कर रहे हैं। और जो दिमाग में ये बात रखता है ना कि पाकिस्तान बांग्लादेश को मिलाने से मेरी मुराद ये है कि बांग्लादेश आके पाकिस्तान के साथ दोबारा जुड़ जाए, नहीं भाई, वो एक अलहदा मुल्क है, हम उसकी अलहदा एक आइडेंटिटी की रिस्पेक्ट करते हैं। इस वजह से हम पाकिस्तान जिंदाबाद अलग कहते हैं,
बांग्लादेश जिंदाबाद अलहदा कहते हैं, वहां बंगाल पाकिस्तान के बनाने में मेन जो किरदार है ना शहजादो, वो है ही सारा बंगालियों का। ढाका में बनी, ढाका के लोगों ने मेहनत की, यहां पंजाब में, केपीके में, सिंध में, बलोचिस्तान में, यहां तरीके तो बाद में स्टार्ट हुई। हुसैन शहीद सोहरावर्दी की बात करें, ख्वाजा नाजमुद्दीन की बात करें, हम लोग एके फजल हक की बात करें, ये सारे वो शहजादे थे जो हमारे आंखों का नूर है। इन सब की मेहनत थी जो पाकिस्तान मर्ज वजूद में आया। आगे कायदे आजम को हौसला देने वाली ये कौम थी। 1946 में मुसलमानों ने जो मैक्सिमम सीटें उठाई थी मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से, वो थी बंगाल से। तो बात ये है कि अगर हम बंगाली अपने मुसलमान भाइयों की बात ना करें, उनको प्रेज ना करें, तो ये एक बड़ी ज्यादती होगी। और मैं तो अब ये भी बात करूंगा कि शेख मुजीबुर रहमान जितना के बांग्लादेश का लीडर है ना, उतने ही पाकिस्तान के भी लीडर है। उतना बड़ा लीडर हम उन्हें पाकिस्तान में भी मांगते हैं। बंगला बंधु शेख मुजीबुर रहमान जो है, बिल्कुल ठीक मैं कह रहा हूं बात, कि पाकिस्तान के भी उतने ही बड़े लीडर हैं जितने बांग्लादेश के बड़े लीडर हैं। तो आज मैं इस वाइट न्यूज के तवसल से, और ये जितने शेर बैठे हैं ना, मुझे लगता है, मुझे यकीन है कि आगे जाके फैलाएंगे इस बात को कि मेरे शहजादो, हाँ आज हम अपने बंगाली भाइयों को जवाब देते हैं, उन्हें बताते हैं कि भाई ये पाकिस्तान तुम्हारा है, इस पाकिस्तान का जो एटम बम है ना वो भी तुम्हारा है। आए जुरत करे कोई आंख उठाकर बांग्लादेश की तरफ देखने की, उसकी आंखें निकाल देंगे। आए कोई हाथ उठाए और बांग्लादेश की तरफ हाथ उठाने की कोशिश करे, उसका बाजू तोड़ देंगे हम इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से। मैं आपको एक मुल्क का नाम भी लेता है, एक साथ मुल्क जिसका नाम लेने से यूट्यूब चैनल बैन कर देता है, नाम नहीं लेना, जान तो गए हो गए वो तो। आप कहते हैं ना अक्सर हमारे पोलिटिकल लीडर कहते हैं वो काके धाबा, ठीक है ना, इसी तरह साथ वाले मुल्क को भी हम काके का अब्बा कहेंगे, ठीक है ना, एक काके का अब्बा, हाँ वही वो जनाब। हमारे बंगाली भाई बॉर्डर के करीब जब जाते हैं तो उनकी फोर्सेस जो है इन पे गोलियां चलाती हैं, यहां तक कि हमारी बहनें, हमारी बंगाली बहनें और हमारे बंगाली भाई, एक खातून का मैं नाम लूंगा फैलानी खातून, जिनको 3 घंटे तक बॉर्डर की तार के ऊपर इन्होंने गोलियां मार के लटकाई रखा, ठीक है ना, जो मदद के लिए आगे जाता था उसे भी गोलियां मारते थे। 3 घंटे वो औरत, हमारी बंगाली बहन, बॉर्डर की तार के ऊपर लटकी रही, प्यास से तड़पती रही, किसी ने मदद नहीं की, वो वही शहीद हो गई। ये काम अब नहीं चलेगा, अब हम बताएंगे इन्हें बहुत अच्छे तरीके से कि हम अपने बंगाली भाइयों के साथ शाना बशाना करें हर जगह, नारा लगाओ, आवाज आए और पता चले कि शेर खड़े। बांग्लादेश जिंदाबाद, बांग्लादेश जिंदाबाद, बांग्लादेश जिंदाबाद। इसके अलावा मैं ये भी ऐलान करना चाहूंगा कि हमने यहां तो कॉन्फ्रेंस कर ली, पहले मैंने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की, तमाम यूथ के लीडर बुलाए, हर पॉलिटिकल पार्टी का, हमारे साथ था, अलायंस में था, नहीं था, जो भी था, हर पार्टी के लीडर को बुलाया। मैंने बोला भाई बात यह है, 50 साल गुजर गए, आज दिल करता है बंगाली भाइयों के जाके गले लगो, बताओ क्या इरादा है। सबने एक जुबान बोला, जो तुम बोलते हो बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान और बांग्लादेश की दोस्ती होनी चाहिए। ये मैंने हर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर से पूछा। मेरे से ज्यादा आज मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप लोगों ने यक जा होकर मुझे जवाब देना है, चले फिर बांग्लादेश इंशाल्लाह, लगे जाके उनके गले जरूर, बताएं फिर अपने भाइयों को कि हम तुम्हारे भाई हैं, हम तुम्हारे लिए जान भी देने को तैयार हैं। बिल्कुल, जो गलतियां थी, कुताहियां थी भूल जाओ, 71 की बात ही नहीं करते, आ जाओ नई नस्ल की बात करते हैं। किसी बापे को खड़े करके, बापों से नहीं मैंने पूछा, मैं नौजवानों से पूछ रहा हूँ, चले फिर बांग्लादेश, खोले अपने हाथ और उनको बोलते हैं अल्लाह खैर करेगा, हम अल्लाह खैर करेगा। तो इंशाल्लाह मार्च के अंदर हम लोग भागा जाएंगे और सेम कॉन्फ्रेंस भागा जाएंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, बांग्लादेश जिंदाबाद, मेरी जान जवानी पाकिस्तान, मेरी कहानी पाकिस्तान, मेरी कहानी
इसके बाद आखिर में तमाम मौजूद मेहमानों का अटल चौधरी साहब का तमाम अटामा साहब का बदल सन साहिबा का दिल नहार आपका मुझे दिल नहार यकीन है कि आज का जज्बा देख के आप यकीनन खुशी से झूम रही होंगी। और आज पाकिस्तानी अवाम शहजादो देख लो, ये हमारी बंगाली बहन बैठी है, इसको जवाब दो कि हम तुम्हारे भाई हैं और तुम्हारे साथ खड़े हैं हर मसले में। इस बंगाली बहन को बताओ कि पाकिस्तान आज भी तुम्हारे लिए अपनी जान देने को तैयार है।